हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक झटपट बनने वाली मूली की चटनी के साथ आई हूँ, जिसके लिए हमें 1 कप ग्रेटेड मूली, इमली का पेस्ट 2 चम्मच, सूखी लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से लीजिए, मैंने 7 सूखी लाल मिर्ची ली हैं, कुछ कड़ी पत्ते, चना दाल, धनिया पाउडर, जीरा, मेथी, तेल तलने के लिए और स्वादानुसार नमक। बिल्कुल 2 चम्मच आप सरसों का तेल पेन में गर्म होने के लिए रखें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, चना दाल, जीरा और जो धनिया पाउडर, इन सभी को तेल में एक साथ डाल दें। तो थोड़ा सा भूनना है। जब थोड़ा भून जाए तो आप इसमें कद्दूकस किए हुए सारे मूली को डाल दें। स्वादानुसार नमक डालकर इसे बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए, हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूनना है। और जो चना दाल और कड़ी पत्ता है उसे आप थोड़ा सा बचा कर रख देना, जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगी आप लोगों को। बस इसे बिल्कुल भी थोड़ी देर तक, करीब 3 मिनट या 2 मिनट तक आपको इसे भूनना है। जब थोड़ी भुन जाए तो गैस बंद करके इसे करीब ठंडा होने तक रुकना है और इसे हम मिक्सी में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जब पेस्ट बनाएंगे तो उसमें हम इमली का पेस्ट डालेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है, ठीक है। इमली के पेस्ट को डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। आपका पेस्ट पीस कर कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाने के बाद हमें करीब 2 चम्मच तेल फिर से गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो हम इसमें राई के कुछ दाने, चना दाल और कड़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे। फिर हम इसमें जो पेस्ट तैयार किए थे उसको डालकर थोड़ा भूनेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक कि साइड में थोड़ा थोड़ा तेल ना आ जाए। इसको थोड़ी देर हमें भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि साइड तेल ना छोड़ने लगे। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ये तेल छोड़ने लगा है। करीब हमें 5 मिनट इसको लगेंगे भूनने में। इसको 5 मिनट लगेंगे भूनने में। जब इसके साइड में तेल छोड़ने लगे तब हमारा ये चटनी, मूली की चटनी बनकर बिल्कुल भी तैयार हो जाएगी। मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।